प्रदेश में लगातार हो रहे हमलों से यह प्रतीत हो रहा है कि अब यूपी के शहजापुर में भी पुलिस का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त, क्योंकि यहां आए दिनों हो रही घटनाओं से कानून का डर खत्म सा होता जा रहा है। यहां लगातार हो रही हत्याओं और लूट जैसी घटनाओं का पुलिस पर्दाफाश करने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अपराधी बेधड़क होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे, तो वहीं पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इसी के चलते यहां एक बार फिर बदमाशों ने एक पत्रकार को निशाना बना डाला है। आपको बता दें कि बदमाशों ने पत्रकार को उस समय गोली मार दी जब वो एक न्यूज कवर करके घर वापस लौट रहा था। गोली पत्रकार के बाएं हाथ में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल घटना थाना चौक कोतवाली के साउथ सिटी इलाके की है, जहां पत्रकार अंकित शर्मा, जो कि खबरें अभी तक के जिला संवाददाता हैं, वह अपने पत्रकार साथी राहुल के साथ न्यूज कवर कर बाइक से घर वापस लौट रहे थे कि तभी पहले से ही घात लगाए खड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें सामने से गोली मार दी। गोली बाएं हाथ को चीरती हुई निकल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल है। अंकित शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक इस गोली कांड में यह निकलकर सामने आया है कि पत्रकार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। हाँ ये जरूर है कि पत्रकार द्वारा खबर को लेकर कोई न कोई अंदर खाने रंजिश जरूर रखता है, क्योंकि अक्सर यह होता है कि पत्रकार द्वारा किसी न किसी के पक्ष विपक्ष में खबरें तो चलानी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर खबरें किसी के पक्ष में चलती हैं तो किसी के विपक्ष में चलती हैं। यह देखना जरूरी होगा। अब फिलहाल मामला कोई भी हो, इस योगी सरकार में पत्रकारों पर आए दिन हमले होना एक आम बात होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस हद तक पत्रकार का साथ दे रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, या फिर खान पूर्ति कर खोखले वादे कर अपना पल्ला झाड़ लेगी। फिलहाल घटना जो भी हो, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि योगी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार पर हमला होना यह बहुत ही बड़ी बात है और चौथे स्तंभ के लिए घातक भी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पत्रकार के बताने के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द खुलासे की बात की जा रही है। तो ये किसने आपकी गोली मारी, कहाँ हुआ है? सो उधर हम लोग टर्निंग ढाबे से जाकर खाना खाने, उसके बाद घर से फोन आया था, तो घर से फोन आया था कि कहाँ हो, तो हमने फलाने के फोन आ रहे हैं, तो खाना भी नहीं खाया। उसके बाद जो एक दीदी रहती है साउथ सिटी में, उनके यहाँ गए थे, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा 15 मिनट रुके होंगे, तो चाय बनाने की चाय उनको बना के दी, चाय गोली नहीं पी लो चाहे तो बस यहाँ से जैसे ही हम निकले तो साउथ सिटी के पास में दो बाइक सवार उन्होंने गोली मार दी। आपको किसी का शक नहीं? अभी ऐसे किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं? अभी कोई साथ में कौन था? मैं वहाँ से वापस आ रहा था, साउथ सिटी गेट से जैसे ही मुड़ा मैं इधर, अंधेरे के टाइम वहीं पर सर उल्टे हाथ में खड़ा था कोई मोटरसाइकिल से, मैंने नहीं देखा तो पीछे से लाइट थी, आगे से लाइट थी, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, गोली मारी, पता नहीं मेरे मारी या इनके मारी, इनके हाथ में लगी, ये बोले तुरंत गोली मारी किसी ने मेरे, मैं तुरंत गया, भाई साहब खड़े थे। जो आपकी बाइक पे बैठे थे वो कौन थे, क्या नाम था वो? अंकित शर्मा नाम है, खबरें अभी तक के रिपोर्टर है वो, जिला शाहजहांपुर से, वो मेरी बाइक में बैठे थे। तो किस तरीके से, किस तरीके से क्या गोली लगी कुछ बता सकते हैं? मुझे ये नहीं पता कौन लोग थे, क्या था, उनकी रंजिश थी या मेरी, मेरी किसी रंजिश नहीं है, कोई रंजिश हो सकती है ना भी हो सकती है, या मेरे ऊपर चलाया उसके ऊपर चलाया, फिलहाल गोली चली थी, आवाज भी आई, मैंने तो नहीं मुड़ के देखा, मैंने सिर्फ गाड़ी रपटाई, उसने पीछे मुड़ के देखा, पता चला कि 2-3 लोग और पीछे खड़े थे, फिर मैं सीधे गाड़ी भगाते चलाया। आप लोग किधर से आ रहे थे? मैं साउथ सिटी से निकला था, बरेली मोड़ घर तरफ आ रहा। वो लोग क्या सामने से आ रहे थे? एक लोग उल्टे हाथ पे खड़े थे, दो लोग बाइक से थे वो खड़े थे, बाइक मैंने नहीं देखी ना गाड़ी नंबर देखा, बाइक कौन सी थी, सामने से गोली मार दी? हाँ, उल्टे हाथ पर थे, सामने से गोली मार। क्या कोई रंजिश थी? नहीं पता नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं, अगर उनकी होगी तो पता नहीं। किस तरीके की चीज सामने नजर आई हो, किस तरह की एक्शन इसके हाथ में? थाना कोतवाली के साउथ सिटी मोहल्ले के पास में जो है एक पत्रकार अंकित शर्मा है, उनके ऊपर फायरिंग की बात प्रकाश में आई है, उनके बाएं हाथ में बुलेट जो है छिलती हुई निकल गई है। इस संबंध में गहराई से जाँच की जा रही है, तभी प्राप्त होने पर उसके व्यू पर निर्भर कराया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। गोंडा जनपद तरबगंज विकास खंड में 3 ग्राम सभाओं में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद, जहां 2 ग्राम सभा सनरावा व खानपुर में सामान्य चुनाव के बाद निवर्तमान प्रधानों ने अपनी अपनी ग्राम सभा में जीत की पुनरावृत्ति की,
जिसमें संरावक ग्राम सभा में निवर्तमान प्रधान की पुत्रवधु रेणु मिश्रा पत्नी राघवेंद्र मिश्रा ने 1119 मत पाकर विजयी रही। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सिर्फ पति पत्नी राम बहादुर मिश्रा को 705 मतों से पराजित किया। शिवपति 445 मत पाकर दूसरे स्थान पर रही तथा ग्राम सभा खानपुर में तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आशीष दुबे को 260 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की है, जिससे शेष दत्त तिवारी को 559 वोट मिले। तरबगंज की सबसे चर्चित ग्राम सभा रमापुर में उपचुनाव संपन्न करवाया गया। रमापुर ग्राम सभा में पूर्व प्रधान नीरज देवी ने 1593 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बरखास्त प्रधान की खास हजरतुल निशा को 778 मत ही मिल सके। चुनाव का रिजल्ट क्या रहा है? आज संपन्न हुए चुनाव में दो सामान्य चुनाव थे और एक उपचुनाव था। सामान्य चुनाव सरावा में श्रीमती रेणु जीती हैं और खानपुर में शेषदत्त तिवारी जीते हैं और रामापुर में नीरज देवी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत थाना क्षेत्र सेंजिया ग्राम की दर्जनों महिलाओं से दर्जनपुर की रहने वाली राजकुमारी नाम की दबंग औरत ने लोन का झांसा देकर दो दो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 60,000 से 65,000 लोन करवा कर बैंक में जमा करवाने के बहाने ठग लिया। राजकुमारी ने गांव की महिलाओं से बताया कि आपके पैसे को जमा करके क्रेडिट बनाया जाएगा, उसके बाद दूसरे बैंक से प्रत्येक महिलाओं को 1 से 2 लाख का लोन व्यवसाय के लिए देने को बुलाया जाएगा, लेकिन रुपए बैंक में जमा करके खुद हड़प लिया। महिलाओं का ग्रुप बनाकर लाखों रुपए सातिर महिला ने गरीब महिलाओं से लेकर हजम कर लिए। पीड़ित महिला की पति बद्री प्रसाद निषाद ने बताया कि जब अपने साथ हुई जालसाजी की घटना का पता चला तो वह सब पीड़ित महिलाओं को लेकर तहरीर देने थाने पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद सभी महिलाओं को थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं आरोपी महिला ने भरे लहजे में कहा, शांत होकर बैठो नहीं तो तुम्हारे ऊपर तमाम धाराएं लगवा दूंगी। दबंग महिला ने दर्जनों महिलाओं से बैंक में लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी करके लाखों रुपए हड़प लिए। आरोपी महिला के रुतबे के आगे पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए पीड़ित ने पुलिस प्रशासन पर संदेह व्यक्त किया है। गीता, हमारा मामला राजकुमारी पैसा निकाली थी, ले लिए कहीं की भैंस इस पाले वाले के, तुम लोग को पैसा मिल जाए तुम्हारे लोग को समस्या दूर हो जाए गरीबी, तो हम लोग दिए। अब हम थाने में दौड़ दौड़ जा रहे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे लगभग 50 लोग हैं लेकिन तो इतना अच्छा 50 लोगों का पैसा निकाला गया है और सबका पैसा निकाल के खुद ले लिया। पैसा ले लिया, दिए नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने नहीं किया? थाने पे नहीं गई? थाने पर गई थी। थाने पर गई तो क्या बताया, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, कुछ बताया थानेदार ने? वहाँ पर कोई, हमारे वाइफ के नाम से जो है 65,000 रुपए निकले हैं, एलआंटी बैंक से 35,000 रुपए और शहीदा बैंक फैजाबाद गोंडा फैजाबाद से 30,000 रुपए। तो दो बैंक क्या करती हैं? ये जो है दुकान, इसकी दुकान है जी जी। तो यहाँ गांव में महिलाओं को बहला फुसला के अपना जो है ये लोन दिलवाने का काम किया। मैं अब सभी लोगों का, मेरा 65,000 रुपए है जो ले रखी है, किसी का 30,000 रुपए, किसी का 35,000, किसी का 60,000, किसी को 65,000। लगभग कितने लोगों का? लगभग यहाँ तो 500 लोगों को ऐसा जाँच करे नहीं है कि जो है कुछ महिलाएं, एक महिला ने कुछ महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है और थाने में गई, उनके रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। क्या है मामला पूरा? ये अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये लाया गया है कि थाना तरबगंज का ये मामला है, कहीं कुछ ठगी का मामला हुआ है। मैं इसमें हमारी निरीक्षक को भी बात करके निर्देशित करता हूँ, उसमें आवश्यक महिलाएं कार्रवाई करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, तरबगंज। गोंडा जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत विकास खंड नवाबगंज के गांव हरिहरपुर के रहने वाले युवक की शादी बगल गांव के ही युवती के बीच तय हो गई थी। शादी की तारीख आने के पहले युवक ने शादी से इनकार कर दिया और भाग गया। लड़की के भाई ने शनिवार को स्थानीय थाने पर तहरीर दी। युवती के भाई के तहरीर में आरोप है कि
उसकी बहन की शादी बगल के गांव के युवक बिन्नू यादव पुत्र छोटे लाल यादव से तय हुई थी। अब वह शादी से इनकार कर रहा है। स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई तथा उसने हरिहर गांव जाकर युवकों के परिजन को बुलाकर एवं लड़की के परिजनों को बुलाकर दोनों परिवार में सुलह कराकर शादी के लिए राजी कर लिया। दोनों परिवार वालों की मौजूदगी में लड़के और लड़की की शादी थाना परिसर में ही एक दूसरे को माला पहनाकर करा दी गई। दोनों परिवारी जन सोमवार को पुनः कोर्ट मैरिज कराने पर तैयार होकर चले गए। इस घटना के बाबत कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों परिजन मान गए हैं। थाने के परिसर में ही परिवार व समाज के सामने शनिवार की देर शाम को 9 बजे जयमाल से शादी कराई गई व तय हुआ कि दोनों पक्ष सोमवार को कोर्ट में जाकर कानूनी तरीके से शादी के लिए बंधन में बच जाएंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। आज सुबह बालिका सुरक्षा जागरूक अभियान के तहत शेरगढ़ पुलिस द्वारा खेलनवन इंटर कॉलेज के बच्चों को अपनी सुरक्षा के निर्देश देने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने को लेकर शेरगढ़ बाजार में पैदल रैली निकाली, जिसमें शेरगढ़ थाना के इंचार्ज प्रदीप कुमार सहित अन्य स्टाफगण मौजूद रहे। मथुरा के SSP के आदेश अनुसार कस्बे में शेरगढ़ पुलिस द्वारा स्कूल के छात्रों को लेकर बालिका सुरक्षा जागरूकता के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया एवं महिलाओं को 1090 व 181 नंबर के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं को सुरक्षा के लिए अवगत कराया। सर, आज आपके द्वारा जो रैली निकाली गई है उसके बारे में बताएं जरा। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय छाता के पर्यवेक्षण में आज बालिका सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत में एक रैली लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से खेलनवन स्कूल के बच्चों को लेकर निकाली गई है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। उनको 1090 हेल्पलाइन व 181 हेल्पलाइन के संबंध में। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। आज कस्बा माणावारा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई, जिसमें कस्बा माणावारा के सभी स्कूलों ने भाग लिया। परिषद दिए विद्यालयों से लेकर प्राइवेट स्कूलों ने भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली, जिसमें स्कूल चलो अभियान में स्कूली बच्चों ने हमें स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाना है के नारे लगाए। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए डाक बंगला पहुंची, जहां बच्चों को बिस्कुट बांटकर स्कूलों के लिए रवाना किया गया। सर्व शिक्षा अभियान रैली में खंड शिक्षा अधिकारी राम गोपाल वर्मा समस्त सह समन्वय एवं शिक्षक मौजूद रहे। साथ ही स्कूल चलो अभियान रैली में माड़ावारा सब इंस्पेक्टर खेमचंद के साथ पुलिस वाले मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, माड़ावारा। आज करीब 10 बजे चंदोसी मुरादाबाद हाईवे थाना बनिया ठेर के अकरोली अड्डे पर साइकिल सवार को तेज रफ्तार मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए चंदोसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया है, लेकिन एम्बुलेंस के न मिलने पर घायल ने दम तोड़ दिया। पप्पू, ये जो मृतक है एक्सीडेंट में खत्म हुए, कौन है आपके? ये ताऊ लगते हैं हमारे। किस समय एक्सीडेंट हुआ था इनका? ये लगभग 11 बजे के टाइम। तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? ये अकरोली की अकरोली अड्डा जो है ना, रोड बस उसके सामने। ठीक। अच्छा, उस जगह किस चीज से हुआ था? मैजिक जा रही थी, निकल के मैजिक जी आ रहे थे कहीं से, दावत खा के उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ से एम्बुलेंस से ले गए थे, आप कहाँ ले गए थे फिर उसके बाद इलाज के लिए? इलाज के लिए ले गए सरकारी हॉस्पिटल में ट्री से। कहाँ? चंदोसी। चंदोसी के सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी। अभी जैसे मृतक को लाए हो इसमें टिर्री में रखे, क्या एम्बुलेंस नहीं मिली थी वहाँ से? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिल पाई? नहीं। आपने कहा किसी से वहाँ के जो डॉक्टर वगैरह रहे होंगे या फिर? डॉक्टर बता रहे थे मुरादाबाद रेफर करने के लिए, मुरादाबाद ले जाने का टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले खत्म हो गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। मामला है फिरोजाबाद के थाना टुंडला के राजा का ताल का, जहां बारिश की तबाही से दो बच्चों की जान चली गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त का है जब तेज बारिश के बाद पूजा ग्लास फैक्ट्री की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें दीवार के सहारे बैठे दो बच्चों की जान चली गई, जबकि चार मजदूर हादसे में गंभीर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है मरने वाले बच्चे राजा के ताल में किसी शादी समारोह में अपने परिवार के साथ आए थे और फैक्ट्री की दीवार के सहारे दोनों बच्चे बैठकर खेल रहे थे। घटना की सूचना पर आनन फानन में पुलिस फोर्स के
के साथ रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। घटना की सूचना पर रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुट गई। आशंका जताई जा रही है मलबे में दो अन्य लोग भी दबे हुए हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और पुलिस की मदद से दबे लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। घटना को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश बना हुआ है और मौके पर पहुंची जांच टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हमें पता चला है यह पूरा ग्लास फैक्ट्री है, इसकी जो पीछे की दीवार थी उसके पीछे कुछ लोग शौच के लिए आए थे। जैसा मैं जानकारी में आया, रात भर से बारिश हो रही है और दिन भर ही बारिश हुई है, उसके नाते ये एक लगभग 25 से 30 फुट की दीवार जो कलेश कर गई, जिसके नीचे दो बच्चे दबके उनकी डेथ हो गई है। तीन लोग अभी तक पता चले घायल हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है, यदि कोई और तो घायल नहीं है या और कोई ऐसा तो नहीं जो कैजुअल्टी है तो उसको हम दिखवा रहे हैं, और वर्तमान में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कार्रवाई की जा रही है। सर, ये सभी लोग क्या एक ही फैमिली के हैं? देखिए, जो अभी जानकारी में आया, यहाँ पर ये विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, जिसमें दो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और सगे संबंधी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। संभल जिले के बहजोई नगर स्थित निजी अस्पताल शिव हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल में हंगामा बढ़ता देख आरोपी डॉक्टर अस्पताल को छोड़कर भाग गए। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। परिजन चिकित्सक पर कार्यवाही की मांग पर अड़ गए हैं। बताते चले कि जनपद संभल में ऐसे कितने नर्सिंग होम हैं जो कि बिना डिग्री के चल रहे हैं, लेकिन उस पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र नहीं है। आखिरकार कब तक यह खिलवाड़ होता रहेगा? इस मामले में सीएमओ अमिता सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैसा कि आज एक अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई और एक महिला की मौत हो गई, क्या मामला है, अवैध तरीके से क्यों चल रहा है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले मेरे पास एक फोन आया था। मुझे लगता है वो पीड़िता के किसी रिश्तेदार का था और उसमें मुझे ये बताया गया कि यहाँ बहजोई में चंदौसी रोड पर कोई शिव नर्सिंग होम करके कोई हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक प्रसूता की और उसके बच्चे की डेथ हो गई डिलीवरी कराते समय करने के बाद। तो उन्होंने मुझे मौके की ये संदेश दिया, मैंने तुरंत डॉक्टर मनोज का नंबर भी उनको भी दिया और मैंने खुद भी डॉक्टर मनोज को सूचित किया। तब तक इस बीच पता चला कि वो लोग उस महिला को और उसके बच्चे को यहाँ CSC बहजोई के अस्पताल में लेकर आ गए हैं, जो मृत हो गई थी। तो उसमें जो आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है CSC बहजोई में, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है और नियमानुसार उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने परिजनों ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर आशा जो लेके गई थी उसको अस्पताल में प्राइवेट में, तो अब आशाओं पर क्या कार्रवाई होगी जो अस्पताल में प्राइवेट में लेके जा रही है? कि जो आशा उस अस्पताल में निजी नर्सिंग होम में उसको लेके गई है, जबकि आशा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लेने का उनको लेकर जाने का अधिकार है, उस आशा के खिलाफ FIR होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको टर्मिनेट किया जाएगा। ये अस्पताल क्या डिलीवरी करा सकते हैं मैडम? नहीं, जैसा मेरे संज्ञान में आया ये अस्पताल जो है रीजनल आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन इसका मिला हुआ है और ये लोग डिलीवरी कराने के लिए अधिकृत नहीं है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। जिला रामपुर तहसील सदर में जिला अधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने चमरौआ स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके शिक्षा व्यवस्था देखी। जिला अधिकारी ने विद्यालय परिसर पहुंचकर सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र देखा। केंद्र में मात्र 6 बच्चे ही उपस्थित थे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीतू गुप्ता अनुपस्थित रही, जिस पर जिला अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विद्यालय में बच्चों से पहाड़ी गिनती सुनी तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में किताब पढ़कर शब्दों को सही उच्चारण करना सिखाया। मिड डे मील के अंतर्गत बनाया जा रहा भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं बन रहा था। जिला अधिकारी ने रसोइयों से कारण पूछा तो पता चला कि प्रधान द्वारा मेन्यू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी। विद्यालय में प्रधान द्वारा कोई कार्य ना कराए जाने पर जिला अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिला अधिकारी सदर सहित 4 सदस्यीय टीम का गठन करके ग्राम प्रधान के विकास कार्यों व वह धन राशि की जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। चमरौआ विद्यालय है जहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल, 1 अपर प्राइमरी स्कूल है, उसमें निरीक्षण के लिए मैं गया था
उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है वो बहुत बेहतर नहीं है, और वहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया प्रतीत नहीं होता है। अगर वो ध्यान देते तो बेहतर व्यवस्था हो सकती थी। हालांकि मिड डे मील के चीज़ें ठीक है, पर मिड डे मील को जो एक उपाय समझा जा रहा है कि बच्चे उससे आकर्षित होकर आएंगे, एक्चुअल में उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है पोषक तत्वों के, मतलब शारीरिक विकास भी करना। मानसिक विकास पढ़ाई के थ्रू हो रहा है, पर शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो मेनू था, मेनू के हिसाब से चीज़ें नहीं बन रही, और इसका मुख्य कारण है जागरूकता ना होना इस दिशा में रसोइये का, वरना वो खाना तो बेहतर था वहाँ का। आंगनवाड़ी पे बहुत कमी मिली, और आंगनवाड़ी बेहतर नहीं मिला, उसके लिए डीपीओ को निर्देशित किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि अमूमन बहुत सारी जगहों की ये कंडीशन है, लेकिन सबसे बुरी ख़राब हालत है वो साफ़ सफाई की है, जो स्कूल के द्वारा साफ सफाई कर्मी के द्वारा साफ़ सफाई की जाती है। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव के लोग और ग्राम प्रधान लग के उस जगह को इस तरीके से नीट एंड क्लीन बनाएं। बारिश आ रही है, बारिश में बहुत सारे तरीके के कीड़े मकोड़े ये सब भी आते हैं, और घासें अगर बड़ी बड़ी हैं, स्कूल के इर्द गिर्द अगर गंदगी है, तो उससे हमारे बच्चों को प्रभावित करेगा। मैंने वहाँ के लिए जाँच के लिए टीम गठित कर दी है, वहाँ पे जाँच। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर।